अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सारे। हमने कल भी एक वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर जो पंजाब कॉलेज का जो प्रोटेस्ट है कैंपस रैली का, उसके बारे में बात की थी। तो कल रात से कुछ एक एक्सप्लेनेशन लेटर आया फ्रॉम पंजाब कॉलेज, ठीक है। उस पर मैंने डिनाई किया जी, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। कल जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने भी डिनाई किया। उसके बाद जो है काफ़ी जगह से डिनाई रहे हैं। पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने डिनाई किया। आई थिंक आज सुबह जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है वो जो मेहरबानों साहब हैं उन्होंने किया है कि उन्होंने कहा कि पेरेंट्स की तरफ से कोई नहीं आया। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये वाकया नहीं हुआ, ठीक है, जैसा कि मैंने कल कहा था कि जो मेन मसला है ना इसमें, सबसे बड़ा मसला वो ये आया है कि यार, एक इतने बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, ऑब्वियसली वो क्वालिफाइड होंगी, टीचर्स क्वालिफाइड होंगे, स्टाफ क्वालिफाइड होगा, वाइस प्रिंसिपल क्वालिफाइड होगी, और वो लिटरली सारे के सारे नाअहल हैं, ठीक है। वाकया हुआ था या नहीं हुआ, जिस तरह से उसको मैनेज किया गया वो बहुत ही हॉरिफिक था, ठीक है। लिटरली हॉरिफिक था कि आपने किसी तरह से किसी को भी क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो जज्बाती होती है स्टेज में, आपने उसको किस तरह से करना, ठीक है। अगर वाकया नहीं हुआ था तो कल हेल्थ मिनिस्टर ने वहां पर जाके क्यों इस चीज को कहा कि हुआ है, सीसीटीवी फुटेज गायब है, सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये वाकया फेक है तो बड़े सवाल बनते हैं, ठीक है। उसमें जो पहला वाला सवाल है कि जी, सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई, क्यों गायब की गई, क्यों कट की गई, क्यों, ठीक है। अगर वहां पर कैमरे नहीं लगे हुए, ठीक है, जैसा कि ये मैं नहीं कह रहा ये सीसीटीवी फुटेज का है, ये हेल्थ मिनिस्टर, आई थिंक एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं, जो कल वहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है, उनके मुताबिक सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब है, ठीक हो गया। तो अगर ऐसा वाकया नहीं हुआ तो एजुकेशन मिनिस्टर ने कंफर्म क्यों किया था, और इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल की गई अगर इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। इट मीन्स कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को चला, ठीक है। फिर तीसरा सवाल आता है कि जी, इन्होंने स्टूडेंट्स को क्यों सस्पेंड करना शुरू किया, उन प्रोटेस्ट और उनको थ्रेटन किया गया इसी बात के ऊपर कि आप लोगों को निकाल देंगे, आप लोगों को फाइन किए जाएंगे, आप लोगों को सारा कुछ, और आपके पेरेंट्स आज लेटर रिसीव करेंगे सस्पेंशन का, ठीक है, एक्सपायर का ये जो भी है। और उसके बाद एक सवाल आता है कि अगर ये फेल है तो इतना पुअरली मैनेज क्यों किया गया, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को यार सीरियसली, अगर मैंने अपने करियर में टीचिंग की हुई है तो मैं जाके स्टूडेंट्स को कहूँगा, स्टूडेंट्स प्रिंसिपल और टीचर्स की बात मानते हैं, ठीक है। आप अगर मैं इनिशियली स्टेज पर धमकियाँ देने लग जाऊँगा तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, ठीक है। मैं जाके कहूँ कि यार, इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तब तक आप रखें, उम्मीद रखें और हम पे भरोसा रखें कि आप हमें जानते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन में हेराफेरी नहीं करेंगे ऑफिसर, ठीक है। स्टूडेंट्स लिटरली काम डाउन हो जाते हैं, लेकिन आप उन्हें धमकियां दे रहे हो फोन पे, ठीक है। बच्चियों को डायरेक्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट कॉल कर रही है, इससे ज्यादा फिशी क्या चीज़ हो सकती है कि प्रिंसिपल क्यों इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। जी, वही मेरा इसी बात से अगला सवाल कि प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टाफ जो है, वाइस प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, ये क्यों अनेबल रहे बच्चों को सेटिस्फाई करने में, ठीक है। ये इतने ना अहल लोग कहाँ से इन्होंने भर्ती किए हैं इतने बड़े कैंपस के ऊपर, ठीक है। और इस कैंपस की वैसे भी बड़ी आ रही होती है कि इनका माहौल कुछ इनके हाथों में नहीं रहता, ठीक। एंड उसके बाद अगर वाकया फेक है तो इतना ज़्यादा एग्रेशन स्टूडेंट्स के ऊपर कि आपने उनके ऊपर गार्ड छोड़ दिया, आपने पुलिस में आकर लाठी चार्ज किया। देखें, ये वाकया हुआ या नहीं हुआ, स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, ठीक है, और उनकी वीडियोज़ आपके सामने हैं कि वो किस हाल में हैं, बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हॉस्पिटल में। इससे एक और सवाल यहाँ से तीन चार निकलते हैं जी, आपने गार्ड्स को क्यों छोड़ा है, वीडियोज में कि